हेलो जैन दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएफ क्लासेस पर। तो आज हम आप देखेंगे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो इस तरह हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुन थदो सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे त्रिपुरा, एंड सेकंड ऑप्शन है मेघालय, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका मणिपुर, एंड फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी लोगों को थर्ड ऑप्शन। इसका राइट ऑप्शन है मणिपुर। तो इसके बारे में देखेंगे थोड़ा। बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया जाता है, बांग्ला महोत्सव। उसके बाद है खारची पूजा, त्रिपुरा में मनाया जाता। तो ये इम्पोर्टेंट हैं दो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर दो। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, एंड पृथ्वी दिवस, एंड स्वास्थ्य दिवस, एंड लीवर दिवस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी लोगों का राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका। एक्सप्लेनेशन देखें, भारत में सिविल सेवा दिवस का पहला आयोजन साल 2006 में 21 अप्रैल को किया गया था, जिसके बाद से यह लगातार मनाया जा रहा है। साल 2020 में कोविड महामारी फैलने के दौरान लॉकडाउन में भी इस दिवस का आयोजन किया गया था, हालांकि तब इसका आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया था। इस बार 16वां सिविल सेवा दिवस मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर तीन। प्रश्न नंबर तीन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन किस अवधि के लिए प्रारंभ किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 2025 से 2028, एंड सेकंड ऑप्शन है 2030 से 2031, एंड थर्ड ऑप्शन है 2022 से 2034, एंड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका 2025 से 2030। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर 2030 से 2031। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में 19 अप्रैल को 2023 6,003.65 करोड़ की कुल लागत के साथ 2023-24 से 2030-31 तक के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार के अनुसार इससे वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध एवं विकास कार्यों को मदद पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर चार। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी जी। फर्स्ट ऑप्शन नरेंद्र मोदी। उसके बाद आशा भोसले, एंड थर्ड ऑप्शन है सुनिधि चौहान, एंड फोर्थ ऑप्शन है सोनू निगम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी लोगों का आशा भोसले। ये प्रथम प्रथम बार दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को 2022 में, एंड सेकंड बार 2023 में दिया गया है आशा भोसले को। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। आशा भोसले के बारे में देखते हैं, प्रख्यात गायिका आशा भोसले को लता मंगेशकर की याद में मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा स्थापित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया जाएगा। यह पुरस्कार समाज में योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर पांच में देखेंगे क्या है। हुरुन के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो फर्स्ट ऑप्शन है पहला, एंड सेकंड है चौथा, उसके बाद थर्ड एंड
थर्ड ऑप्शन है दूसरा एंड फोर्थ ऑप्शन है तीसरा। सो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ नंबर तीसरा। सो देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, देखेंगे फोरन के बारे में समझेंगे। फोरन द्वारा ग्लोबल ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत अमेरिका और चीन के बाद, भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जहां यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या सबसे ज्यादा है। किस किसके बाद? अमेरिका और चीन के बाद है। तीसरे नंबर पे आता है भारत का नंबर, जहां यूनिकॉर्न कंपनियां सबसे ज्यादा हैं। इंडेक्स के अनुसार फूड टेक प्लेटफॉर्म स्विगी, फैनटैंगी, गेमिंग कंपनी ड्रीम इलेवन और एडटेक डेकाकॉर्न बायजूस देश के सबसे बड़े यूनिकॉर्न हैं। बायजूस दुनिया भर के शीर्ष 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स में से एक है। 10th नंबर पे आता यूनिकॉर्न में बायजूस, जिसमें 22 मिलियन डॉलर के वैल्यू के साथ कोविड-19 ईरा से पहले वैल्यूएशन में जबरदस्त इजाफा किया है। इस बीच लिस्ट में मौजूद स्विगी और ड्रीम इलेवन दोनों का मार्केट वैल्यू 8 बिलियन डॉलर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर छह हो जाएगा आपका, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे जोधपुर, एंड सेकंड ऑप्शन है बीकानेर, एंड थर्ड ऑप्शन है जयपुर, एंड फोर्थ ऑप्शन है झुंझुनी। ये सॉरी झुंझुनी नहीं होगा, यहाँ झुंझुनू होगा, ये झुंझुनू ये। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन है आप सभी लोगों का फर्स्ट ऑप्शन जोधपुर, फर्स्ट ऑप्शन है जोधपुर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है? सो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका भारत, एंड सेकंड ऑप्शन है रूस, एंड थर्ड ऑप्शन है इटली, एंड फोर्थ ऑप्शन है केन्या। सो इसका एक्सप्लेनेशन, सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप सभी लोगों का केन्या, फोर्थ ऑप्शन है केन्या। सो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। केन्या ने 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के बेंडेनबर्ग बेस से एलन मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के एक रॉकेट पर अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट लॉन्च किया है। लॉन्च रॉकेट में स्पेसएक्स के राइड शेयर प्रोग्राम के तहत तुर्की समेत विभिन्न देशों में 50 पेलोड थे। ताइफा फर्स्ट को साइलरी लैब्स एंड्यूरोसैट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस उपग्रह को 2 वर्षों में 50 मिलियन केन्याई शिलिंग की लागत से बनाया गया था। इसमें कितना खर्चा आया था इसको लॉन्च करने में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है भाई आपका, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? ये है क्वेश्चन आपका। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, एसबीआई बैंक, उसके बाद है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है सिटी यूनियन बैंक। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सिटी यूनियन बैंक। ये देखिए, ये है सिटी यूनियन बैंक का फोटो, एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सिटी यूनियन बैंक ने अपने बैंकिंग ऐप में लॉग इन करने के लिए भारत का पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉन्च किया। ये पहला है भारत का, ये सिटी यूनियन बैंक ने लॉग इन करने के लिए पहला वॉइस बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लॉन्च किया है। सो
क्वेश्चन तो वही खत्म हो गए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू स्टे कनेक्टेड विद अस कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू। जय हिंद।